मैं मोगा से हूँ और मेरे मदर प्रोफेसर थे, उनकी हमेशा इच्छा थी कि बेटे को पढ़ाना है, बड़ा बनाना है। मैं इंजीनियर बना, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बना, और फिर मैंने एक दिन अपनी मदर से बोला कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ और आप मुझे 1-1.5 साल दीजिए और मैं अगर कुछ बन पाया तो ठीक है, नहीं तो फिर जो फैमिली बिजनेस है, मेरे डैड की कपड़े की शॉप है अभी भी, आज भी पंजाब में आज भी बैठते हो, तो मैं वो आके संभालूँ और हम लोग कुछ बिजनेस बढ़ाएंगे। फिर मैं सर आया मुंबई में और शुरुआत की जिंदगी की स्ट्रगल, हर ऑफिस दर ऑफिस, जैसे हर कोई घूमता है, पिक्चर्स दिखाना, रिजेक्शंस होती थी, देखने को भी रेडी नहीं था। तो मुझे लगा कि यार 1-1.5 साल तो ऐसे ही जिंदगी का बीत गया मुंबई की सड़कों को जानने में, तो कहाँ से शुरुआत होगी। और फिर किसी ने तमिल भाषा का एक कोऑर्डिनेटर था जिसको मेरी पिक्चर्स अच्छी लगी और उसने मुझे बुलाया और मैं ट्रेन पकड़ के चेन्नई पहुंचा और पहली फिल्म साइन की। फिर वहां से दौर शुरू हुआ, तमिल की फिल्में की, तेलुगु की, कन्नड़ा की, हर भाषाएं की फिल्में की और वहां पे लोगों ने सराहा, काम पसंद किया और वहीं से नोटिस हुआ मैं हिंदी फिल्म्स के लिए। मेरी पहली फिल्म जो भगत सिंह थी वो मैंने वहां से हिंदी फिल्म की शुरुआत, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि साउथ की फिल्म करूंगा। बोलते हैं कि बेगर्स आर नॉट द चूजर्स, कि जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप क्या चूज़ करें कि मैं हिंदी की फिल्म नहीं, मैं साउथ की करूंगा, तो कुछ नहीं था। तो मैं तो जानता भी नहीं था किसी को जब चेन्नई में मैंने पहली फिल्म साइन की। और मुझे याद है कि मेरे प्रोड्यूसर ने बुलाया, मैं वहाँ पे विजयवाणी स्टूडियोज वहाँ गए, उन्होंने मेरी बॉडी देखी थोड़ी, टी शर्ट्स में ठीक लग रही, बोले कि आप सर टी शर्ट उतार के अपनी बॉडी दिखा सकते हो। तो मैंने टी शर्ट उतारी, बोले अच्छी बॉडी है, यू आर डूइंग अ फिल्म। आई थिंक दुआएं हैं सबकी कि जब मैं शहर से निकला था तो मैं तो जानता भी नहीं था कि मुंबई कितना दूर है, और आज जब जैकी चैन के साथ मैं काम करता हूँ और मैं देखता हूँ अपनी पिछली जर्नी, तो मैं सोचता हूँ कि सफ़र काफ़ी तय हो गया है, अभी स्टिल माइल्स टू गो, जर्नी अभी भी बहुत लंबी है, लेकिन भगवान ने हाथ थामा है और यहाँ तक लेकर आया है तो आगे तक भी ले ही जाएगा। मैं सर मेरे मदर नहीं है, अभी करीबन 7 साल पहले गुजर गए थे, और मैं उन्हें कॉलेज छोड़ने जाता था, कॉलेज से लेने जाता था, मैं भी फिर उस कॉलेज में पढ़ाई की, मेरे मदर मेरे टीचर भी रहे हैं और उन्होंने बड़ा इंस्पायर किया ज़िंदगी में। उन्होंने बोला कि जो भी तुम्हारे ड्रीम्स हैं, यू हैव टू वर्क हार्ड, और वो पूरे ज़रूर होंगे, वक्त लग सकता है लेकिन टिके रहना, छोड़ना मत। तो आई थिंक उनकी वो बात मेरे हमेशा मेरे जहन में रहती है। मुझे लेटर्स लिखते थे इंस्पायर करने के लिए जब मैं स्ट्रगल करता था, कि कभी भी मैं अगर मैं लो फील करूं तो मैं उन लेटर्स को पढ़ूं, और मैं उनसे बात तो हर रोज़ ही करता था, तो मैं उनसे कई बार बोलता था कि मामा यार हम लोग रोज़ ही बात करते हैं तो आप लेटर्स लिखते हो, तो मुझे जब मैं लिखने लगता हूं, तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या लिखूं, कि बात तो आज हो ही गई अपनी। तो उनका ये कहना था कि जब मैं नहीं रहूंगी कभी तो ये लेटर्स हैं वो इसका रिकॉर्ड रहेगा, लेकिन जो फ़ोन है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। और आज विश्वास मानिए कि 2000 से लेके यू नो जब मैंने पढ़ाई शुरू की कॉलेज की 92 से उससे लेके 2007 में मेरे मदर गुजरे, उन 15 सालों की सारी चिट्ठियाँ मेरे पास आज भी संभाल के रखी थी। और आज भी जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उनसे बातें कर रहा हूँ, यू नो आज भी वो मुझे इंस्पायर कर रही हैं, और जो आज मैं मुकाम पे पहुँचा हूँ उन्होंने शायद उस समय देख लिया था, तो आज भी उनकी लेटर्स में उन चीज़ों का जिक्र है कि आज तुम वहाँ पहुँचे और तुम यहाँ पहुँचे।